मदर अब्बास फ्रॉम सिकास स्कूल एंड कॉलेज कैदाबाद। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 2+3 स्क्वायर रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। देखिए हमारे पास गिवन डेटा में जो है एक्स दिया गया है कितना, 2+3 का जजर, और हमने मालूम करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को मालूम करना है और साथ करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स होल का स्क्वायर। एक चीज़ हमने करनी है फाइंड एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, दूसरा फाइंड करना है इसी का स्क्वायर, यानी कि एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक्स हमारे पास दिया गया है 2+3 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स को फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर एक्स, एक्स वर्ग के बटे में आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस एक्स को रैशनलाइज करेंगे, यानी कि एक्स का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2-3 स्क्वायर रूट, 2-, क्या किया, बट्टे वाले कम का साइन तब्दील किया, साइन तब्दील करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले कम ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा होगा ए माइनस बी से, इसको लिखते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस बी के साथ, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू आ गया 2-3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, -3 आ गया। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू आ गया 2-3 स्क्वायर रूट ओवर 1, बटे वाला 1 लिखने की जरूरत को नहीं, तो 2-3 स्क्वायर रूट आ गया आंसर। ये तो हमारा क्या आ गया, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। हमारे पास एक्स है 2+3 का स्क्वायर रूट, एक्स आ गया 2+3 स्क्वायर रूट, 1 ओवर एक्स आ गया 2-3 स्क्वायर रूट। अब हमने फाइंड करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स हमारा है 2+3 का स्क्वायर रूट माइनस 2-3 का स्क्वायर रूट। अब एक्स माइनस 1 ओवर एक्स 2+3 स्क्वायर रूट, माइनस अंदर गया साइन चेंज हो गए, 2 था प्लस का माइनस का हो गया, 3 स्क्वायर रूट था माइनस का प्लस का हो गया, -2 और +2 कैंसिल, 3 स्क्वायर रूट 1 प्लस का और ये भी 1 प्लस का, टोटल कितना हो गया 2√3 आ गया एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, ये फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी का स्क्वायर लेना है, तो यहीं पे स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर, बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इधर भी स्क्वायर ले लें और इस साइड में भी स्क्वायर ले लिया जी। एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इसका स्क्वायर आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का जजर और मुरब्बा कैंसिल हो गए, तो सिर्फ 3 आ गया, 3+4 कितना हो गया 12, एक्स 1 ओवर एक्स का स्क्वायर यह हमारा आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, याद रखें कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ पे से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो हम कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं, 5 का पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है कि अगर एक्स दिया गया है हमारा कितना, 5√-2√ और 5√+2√। हमने फाइंड करना है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है, और तीसरा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब देखें
सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x को रेशनलाइज कर लेते हैं। x को रेशनलाइज कर लेंगे तो हमारे पास x निस्बतन, ये थोड़ा सा रकम बड़ी है, निस्बतन छोटा x आ जाएगा। देखें x को सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, x हमारे पास है 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, बट्टे वाले रकम का यानी कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, यहाँ पे था प्लस, माइनस किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखें आपको पता है कि जब एक जैसी रकम में मल्टीप्लाई हो, क्योंकि अब नोमिनेटर यानी कि बट्टे से ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होने हैं और बट्टे से नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, तो जब एक जैसी रकम में आपस में मल्टीप्लाई हो, मतलब है कि अगर ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो ए माइनस बी से, इसको हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी होल का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर आ गया। बट्टे में देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी, वही फार्मूला कि अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से, तो इसको हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आ गया माइनस 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर आ गया। अब देखें a माइनस बी होल का स्क्वायर, a माइनस बी होल का स्क्वायर, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2 अभी दरमियान में लिखे हैं या साइड में लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फार्मूला यही ओपन कर देते हैं कि 5 का स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया प्लस हो गया 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 5 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, बट्टे में क्या हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 5 माइनस 2 आ गया। यहाँ पे देखें तो 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, x इक्वल टू आ गया 5 प्लस 2 माइनस 2 इंटू, अब देखिए सेम पावर है, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा बस में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, बट्टे में आ गया कितना 3। जी x इज इक्वल टू आ गया 5 और 2 कितने हो गए 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3, ये हमारे पास क्या है x आ गया है। अब हम 1 ओवर x को फाइंड कर लेते हैं, जी x हमारे पास आ गया 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 और अब हमने ओवर 3, अब हमने फाइंड करना है 1 ओवर x की रकम क्या है 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। अब देखें बट्टे कीजिए दोबारा बट्टा आ गया तो ये ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू आ गया 1 मल्टीप्लाई 3 और 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। अब x 1 ओवर x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 ओवर 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। जी अब 1 ओवर x को रेशनलाइज कर लेते हैं, 1 ओवर x बट्टे में रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, जी 7 जमा 2 इंटू दर 7 2 अंडर रूट 10 आ गया। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई नीचे वाले, तो नीचे क्या ऊपर वाला तो वैसे का वैसा आ गया, यानी कि 3 ज़रब हो जाएगा किससे 7 जमा 2 इंटू 10 का दर्जर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 1 ओवर x इक्वल टू आ गया 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो ज़रब 10 आ गया, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 ओवर 49 माइनस 40, 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 49 में से 40 गए तो 9 बच गया, तीन वाला टेबल 3 एकम 3 3 3 9, 1 ओवर x इज इक्वल टू आ गया 7 जमा 2 अंडर रूट 10 ओवर 3। अब हमारे पास x भी आ गया 1 ओवर x भी, x हमारे पास कितना आ गया 7 माइनस 2 इंटू 10 का जजर बट्टा 3 और 1 ओवर x इज इक्वल टू आ गया कितना 7 जमा 2 इंटू 10 का जजर बट्टा 3। अब हमने पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x,
एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स की रकम हमारे पास है सात माइनस दो का दो इंटू दस का जजर बट्टा तीन, प्लस वन ओवर एक्स हमारे पास है सात जमा दो इंटू दस का जजर बटा तीन। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वन ओवर एक्स है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो एलसीएम दोनों का सेम है, यानी कि बटे में दोनों के तीन है तो यही एलसीएम आ गया। आपको पता है कि अगर एलसीएम सेम हो तो रकमें प्लस हो रही है तो प्लस हो जाती है, माइनस हो रही है तो माइनस हो जाती है, यानी कि ये रकम सिंपली उसी तरह नीचे आ जाएगी। सात माइनस दो दो इंटू दस का जजर, सात जमा दो इंटू दस का जजर। अब ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, सात जमा सात चौदह बटा तीन। अब हमने अगला फाइंड करना है जी। एक आंसर हमारे पास आ गया है क्यों, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू आ गया चौदह बटा तीन। अब अगला हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर लेते हैं, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का स्क्वायर लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक्स प्लस वन ओवर एक्स कितना है जी, चौदह बटा तीन, इसका स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर जमा एक बटा एक्स स्क्वायर जमा एक्स, और ये एक्स तो कैंसिल हो गया सिर्फ दो बच गया। चौदह का स्क्वायर ले तो वन नाइन सिक्स आता है, तीन का स्क्वायर नौ हो जाता है। ये तो हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसा आ गया प्लस टू। अब यहाँ भी ये प्लस हो रहा है तो किसको जाएगा, माइनस का एक सौ छियानवे बटा नौ माइनस दो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एलसीएम आ गया नौ, एक सौ छियानवे माइनस नौ दो अठारह इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जमा एक बटा एक्स का स्क्वायर। एक सौ छियानवे से अठारह गया तो कितना बच गया, एक सौ अठहत्तर बटा नौ। ये हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर आंसर जी। अब हमने फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स दिया गया है कितना, चौदह बटा तीन, जी हमने पहले फाइंड किया है। अब देखिए हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला, अगर ए प्लस बी होल का क्यूब लें तो ये होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए बी, ए बी इंटू ए प्लस बी। अब देखें x प्लस वन ओवर x, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि a प्लस बी, इसका लें होल क्यूब बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी कि मुकाबले लेने से, तो फार्मूला ऊपर करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। अब कीमत पुट कर देते हैं, x प्लस वन ओवर एक्स की हमारे पास कीमत है चौदह बट्टा तीन, इसका क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, x क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री, ये तो कैंसिल हो गए इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। आप देखें चौदह का क्यूब, चौदह का स्क्वायर होता है 196 यानी 196, और चौदह क्यूब कितना बनता है 2744। 196 को मल्टीप्लाई करें अगर 14 से तो 2744 बनता है, तीन का क्यूब कितना होता है 27, एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स कितना है हमारे पास 14 बटा तीन। अब ये तीन तीन से कैंसिल हो गए, 2744 बटा 27 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस 14। अब हमें सिर्फ इसको फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब को, चौदह को इधर लेकर आते हैं तो माइनस हो जाएगा 2744 बटा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो एलसीएम कितना आ गया, 27 एलसीएम आ गया, 2744 वैसे का वैसा आ गया क्योंकि 27 से कैंसिल, इसके बटे में एक है, ये एक 27 पे डिवाइड हुआ तो 27 आया, 27 ज़रब 14 करें तो जवाब आता है हमारे पास 378 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। अब 2744 में से 378 माइनस करें तो हमारे पास आंसर बनता है 2366 बटा 27 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। ये हमारा क्या है आंसर है।
जी स्टूडेंट्स, आज के इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम कल इंशाल्लाह करेंगे।